सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। प्रोटोनिक्स ने अपने एक छोटा पैकेट बड़े धमाके वाले TWS स्पीकर को लॉन्च किया है। TWS मतलब यार ट्रूली वायरलेस, क्योंकि आप जैसे दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट करके एक पूरा यार वहां पे स्टूडियो स्पीकर वाला ना माहौल बना सकते हो। छोटे दिखने में है लेकिन यार साउंड बहुत ही धमाकेदार करते हैं। काफी दिनों से यूज कर रहा हूं इसकी, आपके क्विक अनबॉक्सिंग के साथ साथ फुल रिव्यू देने वाला हूं। उससे पहले भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन देखने को मिलेगा, प्लीज उसको दबा दीजिएगा। और ये है प्रोटोनिक्स साउंड ड्रम 1 का फुल रिव्यू। सो इस तरीके का छोटा सा बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोटोनिक साउंड ड्रम 1 लिखा हुआ है ऊपर। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे लेटेस्ट ब्लूटूथ 5 आपको मिलता है, यूएसबी पेन ड्राइव और TWS फंक्शन एंड 2000mAh की बहुत ही बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है एंड इनबिल्ट FM के साथ साथ आपको यूएसबी टाइप सी भी देखने को मिल जाती है। सबसे ऊपर आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, एक मैनुअल देखने को मिल जाएगी जिसमें काफी सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, जरूर से पढ़ लेना। उसी के अलावा एक यूएसबी टाइप सी केबल भी मिलती है। एक इस प्लास्टिक रैपिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपना स्पीकर। और एक चीज मैं बाहर निकालती कह सकता हूँ, मटेरियल जो यहाँ पे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक वाला यूज करा हुआ है, थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ आता है और काफी मस्त लगता है। बहुत ही हल्का सा यहाँ पे है एंड छोटा सा है, मेरे हाथ में देखो इस तरीके से यहाँ पे ये फिट हो गया है। ऊपर ये ग्रिल देखने को मिलती है जो कि आपको मेटेलिक फ्रेम के साथ आती है। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करी जाए तो यार काफी छोटा सा, काफी हल्का सा आपको ये स्पीकर देखने को मिल रहा है। और ये प्रोटोनिक्स का आपको ये जो मैट फिनिश प्लास्टिक की डिजाइन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन आपको वो चीप वाली फीलिंग नहीं देता है, काफी अच्छी सी ना मिनिमल टाइप की यहाँ पे फील देता है। सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ पे ये प्लास्टिक मैट वाली लगती है, काफी ज्यादा मजेदार है। और वन हैंड में आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो, ये भी एक आपको अच्छी सी चीज मिलती है। बैटरी 2000mAh की है लेकिन यार इतना भारी जो है ना वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है, आराम से आप इसके साथ वॉलीबॉल खेल सकते हो, इतना हल्का आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर जो मैच देखने को मिलता है ये आपको मेटल का देखने को मिलेगा, जहां से आपको साउंड आता हुआ मिलेगा। और यहीं पे आपको एक पोर्ट्स वगैरह दो देखने को मिलते हैं, जिसमें आप एक में चार्जिंग कर सकते हो, यूएसबी टाइप सी की चार्जिंग मिलती है, दूसरे में आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। एक पोर्ट इसके अंदर से हालांकि मुझे मिसिंग लगा जो कि है ऑक्स केबल का, तो आप इसमें ऑक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी जगह पे इन्होंने यहां पे यार FM रेडियो का आपको सपोर्ट दिया है। और वायरलेस FM रेडियो है तो आप सिंपली सर्च कर लो और जितने भी आपके एरिया में स्टेशन होंगे सब में आप यहां पे सुन सकते हो FM रेडियो को। वाटर रेजिस्टेंट भी मिलता है, वाटर प्रूफ नहीं है, रेजिस्टेंट है, यानी थोड़े बहुत छीटा वगैरह पड़ गई पानी की तो आपको कोई दिक्कत है सच यहां पे नहीं देगा। ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें बटन वगैरह की तो जो प्लस वाला बटन है आप इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखोगे हल्का सा आपकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, अगर आप सिंपल प्रेस करोगे ना वॉल्यूम बटन को तो ये नेक्स्ट टाइप में चेंज जाता है। उसी तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज वाले बटन के साथ है और बीच वाला बटन प्ले पॉज का आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहां पे आपको जिस बटन से आप ऑन कर सकते हो यहां पे उसी से आप यहां पे स्विच कर सकते हो FM रेडियो मोड में या डायरेक्टली ब्लूटूथ मोड में, एकदम इंस्टेंटली यहां पे ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट हो जाता है। FM रेडियो में जब जाओगे तो आपको नेटवर्क सर्च करना होगा अपने स्टेशन को, बाद में आप उसको इजीली यूज कर सकते हो, कोई चीज आपको अलग से FM रेडियो के लिए कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 2000mAh की बड़ी सी बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है और वो अराउंड 7 से 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसके अंदर इजीली दे देगी। और मैंने इसको लिसन करा है यार अराउंड 60-70% वॉल्यूम पे और मेरा तो अभी तक आराम से चल रहा है। बाकी चार्जिंग का टाइम इसको आप 1 से 1 घंटे के आसपास मान के चलो, आराम से ये फुली चार्ज हो जाता है। बाकी अगर यहाँ पे मेन चीज की बात करें साउंड क्वालिटी की, तो अगर आप इसको स्टार्ट करते हो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोलता है पावर ऑन, इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपको बोलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप बंद करो या स्टेशन को चेंज करो तब भी आपको ये बोलता है, और देखो FM भी ऑन हो गया। इस तरीके से आपको सब चीज इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी की अगर पूरी यहाँ पे बात करी जाए तो अगर आप एकदम लाउड कर लेते हो उसको 90-100% पे, लाउडनेस तो बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई साहब, एकदम लगता नहीं है कि आपको इस छोटे से स्पीकर से साउंड निकल के आ रही है, बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है। और आई थिंक यार वो जो ओवर लाउडनेस की वजह से है ना, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप 70-80% से ऊपर थोड़ा सा जाने लगते हो ना आपको वो डिस्टॉर्शन महसूस होने लगता है। बाकी अगर 70% से नीचे आप रहते हो तो साउंड क्वालिटी काफी मज़ देगा, एकदम बैलेंस्ड बेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, वोकल्स वगैरह काफी क्लियर इसके अंदर आ जाते हैं, मिड्स भी काफी अच्छे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसी मेरी शान है मौला, बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे इसके अंदर सुनके, मैं मोस्ट वही गाना सुन रहा था। अच्छे से यहां पे जैसे मैंने बोला ना वोकल्स वगैरह काफी अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप एकदम हैवी बेस चाहते हो तो वो चीज इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, कि छोटा सा स्पीकर यार 10 वॉट का एकदम बूस्टेड स्पीकर आपको बेस नहीं देगा, बेस के लिए वो नहीं है, लेकिन आपको एक बैलेंस्ड और अच्छा सा साउंड यहां पे देता है। बस आप 70% से नीचे लिसन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर जाते हो ना थोड़ा सा आपको साउंड डिस्टॉर्ट होने लगती है। मैं भी आपको थोड़ा सा यहां पे साउंड क्वालिटी इसकी सुना देता हूं, साथ ही साथ माइक की क्वालिटी भी आपको यहां पे सुना देता हूं। We'll be right back.
सो गाइज अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो यही साउंड ड्रम 1 TWS स्पीकर के द्वारा आपको सुनाई दे रही है। अब बताओ किस तरीके की आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पे आ रही है, और नॉर्मली मैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर फोन पे आप किसी से बात करते हो तो किस तरीके की आपको साउंड यहाँ पे आती है। और ये साउंड ड्रम रखा हुआ है एक टेबल पे, मैं थोड़ा सा दूरी पे हूँ तो ये भी चीज आप यहाँ पे जरूर से ध्यान रख लेना। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, या अगर आपका कोई प्रायोरिटी है कि उसके अंदर FM रेडियो भी हो, छोटा सा हो, कॉम्पैक्ट हो और अच्छे सा चले भी ज्यादा टाइम तक, और अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनो तो अच्छी सी साउंड क्वालिटी भी आपको दे, आपको सिर्फ वो नहीं चाहिए कि सिर्फ बेस दे, तो मैं कहूंगा आपके लिए एक अच्छी सी चॉइस यहां पे हो सकता है, क्योंकि यार हर चीज मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर ऑक्स का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, हालांकि आप पेन ड्राइव इसके अंदर लगा पाओगे, और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है और हैंडी काफी ज्यादा मस्त लगा है। मतलब यार मेरे स्पीकर के पास में ना अच्छा सा छोटा सा ये छुट्टू सा लग रहा है और काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा Amazon का और इनकी प्रोटोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का। वहां पे अगर आप प्रोटोनिक्स में जाते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे अगर आप बाय करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।